अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं हूं आपका होस्ट हसनैन हसन भट्ट और मेरे साथ आज मैं ही हूं जी। क्या हाल चाल है सबके, ठीक ठाक है एवरीवन। और जी वी आर मूविंग टूवर्ड्स आधा वीक हो गया है, 24/7 वाले जो खेल रहे हैं आधा वीक पीछे रह गया है। बहुत सख्त मुकाबला चल रहा है और आज रात को जिन जिन के पॉइंट्स नहीं ऐड हुए सबके पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे जी। सारे जरा तैयार हो जाएं, आज रात को लीडर बोर्ड ना ऊपर नीचे होने वाला है और सबको पॉइंट्स मिलने वाले जिस जिसके भी स्क्रीनशॉट्स मौसूद हुए हैं हमें। सलाम भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। वालेकुम अस्सलाम, सब ठीक ठाक हैं। रुजेश्वरी कह रही हूँ अस्सलाम हसैन भाई। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी, ठीक ठाक। आप सुनाए, सब ठीक है जी? दो पॉइंट्स मतलब दो नंबर चाहिए आपको गेम जीतने के लिए। जो जो न्यू प्लेयर्स हैं उनको सुनाते हैं गेम खेलनी कैसे है। बड़ी आसान है, आपके सामने नंबर्स लिखे हुए हैं, उन नंबर्स के दरमियान में एक छोटा सा बॉक्स है, वो बॉक्स को आपने प्रेस करना है। जब आप प्रेस करेंगे दो नंबर्स पर एक इस कोने में और एक इस कोने में ग्रीन कलर की लाइट जलेगी। वो नंबर्स चाहिए आपको जीतने के लिए, सिर्फ और सिर्फ। और वो नंबर्स निकलने कहाँ से हैं, ये हमारा किस्मत का चरखा है, ये आपके दो नंबर्स को बाहर निकालेगा। इसमें 1 से लेकर 100 तक नंबर्स हैं। आपके दो नंबर्स अगर बाहर आ गए तो आपने उनको दबाना है, बिंगो का बटन आपके सामने आ जाएगा, उसको प्रेस करना है और आप जीत जाएंगे 1000 रुपये। ओके जी, निशाबा कह रही है अस्सलाम वालेकुम हसनैन भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी। जे एम भी कह रहे हैं कैसे हैं सब, अल्लाह का शुक्र जी। कल वाले जनरल नॉलेज के भी मिल जाएंगे बी जी शेख सुल्तान साहब, मंडे से लेकर कल तक जितने भी पॉइंट्स हैं ना, मतलब आज तक भी सब मिल जाएंगे आपको, डोंट वरी। यस, अस्सलाम वालेकुम, यू आर लुकिंग ग्रेट, थैंक यू निशाबा। तदीर नकवी साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हसनैन भाई, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र सर आप सब ठीक हैं। नहीं चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। इस जेएमबी जावेद भाई, जिसको नहीं पता भाई जेएमबी कौन है। हसनैन भाई व्हाट अबाउट द पॉइंट्स, सबको मिल जाएंगे शान आज रात को, कल सुबह लीडर बोर्ड चेंज हो जाएगा। कौन से दो नंबर चाहिए आपको जीतने के लिए जल्दी से बता दें चैट में हमें, क्योंकि पहला बॉल आ चुका है बाहर, देखते हैं किसका लगा है। पहले बताएं जी आपको कौन से दो नंबर चाहिए, जरा ये बता दें। तारिक साहब हमें अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है तारिक साहब, ठीक ठाक हैं आप? भाई क्या हाल है, आज एक गेम लगेगी कि दो? तूफान साहब आज एक ही गेम लगी है। परीक्षा कह रही आज भी एक ही गेम होनी, बिल्कुल परीक्षा। जावेद भट्ट है जी जेएमडी। अस्सलाम वालेकुम, मूवी किस नंबर पर भेजनी है अनिला यास? ओके अनिला, आपको बता देते हैं मूवी आपने जो क्लिप है आप हमारे इंस्टाग्राम पे भेज सकती हैं, फेसबुक पे भेज सकती हैं, या वहां पर हमें मैसेज करते हैं, वहां पे आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे देंगे अपना। ओके जी, काफी हमें वीडियोस मौसूल हुई, बड़े मजे मजे की वीडियोस मौसूल हुई को बता रहे थे मुझे, और सबको 100 पॉइंट्स मिलेंगे जिन जिन की वीडियोज आई है, तो वो भी एड होंगे लीडर बोर्ड में। अगर आपको लग रहा है आप टॉप पे हैं इस वक्त, बट वीडियोज भी आ चुकी हैं, तो मुकाबला बहुत सख्त होने वाला है जी। एंड मिसेस मैरी को 43-41 चाहिए, 20s की लाइन में किसी को चाहिए तो बताइए। दुआ खान को 29 चाहिए था और 25 आ गया। 25 नंबर आया है जनाब आला, आज का पहला नंबर जी। ओके जी, ये भी बताता चले साथ साथ, जो सबसे पहले बिंगो का बटन दबाएगा उसको 1000 रुपया मिलेगा। सेकंड आने वाले को कुछ नहीं मिलने वाला, सबसे पहले आपने बिंगो दबाया तो फिर आपको 1000 रुपया मिलेगा। तो जैसे ही बिंगो आपकी स्क्रीन पर आए उसको दबा दें। ओके जी, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दोस क्लिप्स, बिल्कुल शाबा, वो हमारे इंस्टाग्राम पेज फेसबुक पेज पर अपलोड हो जाएंगे, और जो बहुत अच्छा हो वो लाइव गेम में भी चलाया जाएगा। बिल्कुल जी, शेख तुलसा पूछ रही है मेरी वीडियो मिल गई कंप्यूटर जी, क्या बता सकते हैं? फातिमा कह रही है 25, फातिमा 25 तो फिर आ गया। परीक्षा को 26 चाहिए था, नईम चौधरी को 26 चाहिए था, हादी स्नैन को 39 चाहिए था। यस, मुझे भी वीडियोस देखनी है, बिल्कुल आपको वो इंस्टाग्राम पेज पर नजर आ जाएंगी कल तक इंशाल्लाह। हाँ जी, कमीर जी बता रहे हैं जी शेख तुलसा साहब आपकी वीडियो भी मौसूल हो गई है, मानो को 26 चाहिए था। आज मेरी सिस्टर की बर्थडे है मीरभ भट्ट। ओके, हैप्पी बर्थडे मीरभ भट्ट, बहुत बहुत मुबारक हो आपको जन्मदिन, और आप लंबी जिंदगी हो आपकी, सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी हो, आमीन। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन सारे जी बिंगो फैमिली, हैप्पी बर्थडे कर दे मीरभ को।
बहुत ही मजे का कमेंट आया है रहीला हमनी रेशमी का आंसर सीमेंट कलर बड़ा कूल लग रहा है पहना हुआ देखिए ये ग्रे भी कैसे बट मजा आया किरण का 26 अदवाली करिए अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम आदिस नैन वन लेफ्ट पे आ गए वाओ 39 लेफ्ट जेएमबी को 22 चाहिए तारिक को 32 एंड 14 चाहिए मसूद व्हाट्सएप कर रहे हैं अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान लाहौर वालेकुम अस्सलाम मिशावा मीरो को हैप्पी बर्थडे कह रही है परिजन नोनी मीरो को हैप्पी बर्थडे कह रही है इकरा फहद मीरो को हैप्पी बर्थडे कह रही है तो जेएमबी अपनी बहन को हैप्पी बर्थडे की सारी विशेस दिखा दो बिंगो फैमिली सारे उसको विश कह रही है भाई ये फर्स्ट गेम है या सेकंड शेख साहब ये फर्स्ट है बट सेकंड भी है क्योंकि ये लास्ट ही है एंड सेकंड नंबर इज 90 नब्बे नंबर आ चुका है जनाबे आला 90 नंबर और कौन कौन है जेएमबी कह रहे हैं आमीन थैंक्स भाई और रूज अशरफी भी मीरब को हैप्पी बर्थडे कह रही है मसूर भट साहब भी हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं अहद किंग आपको बर्थडे विश कह रहे हैं मीरब भट अगर आप सुन रही हैं हमें तो हादी और हुसनैन भी आपको कह रहे हैं रीमा वालेकुम सलाम कह रही जी वालेकुम सलाम जारा नकवी हैप्पी बर्थडे कह रही है मीरब को ईशा लबासी कह रही है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या हाल है ठीक है आपके मारिया नूर हसन राजपूत मोहम्मद उमर सारे मीरब आपको बर्थडे विश कह रहे हैं और दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट द फैमिली बिंगो फैमिली सबके लिए बहुत अच्छी है और सारे अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के लिए दैट्स द बेस्ट थिंग आई लाइक नईम चौधरी को 93 और 97 चाहिए जबकि 90 नंबर आ चुका है मोहसिन जार साहब पिंडी से ज्वाइन कह रहे हैं मोहसिन जार साहब आपने कहा था मैं वो गेम खेला करूंगा हर घंटे बाद जो होती है सुबह 9 से रात 11 बजे तक मगर आप नीचे रहेंगे काफी क्या हुआ एक और नंबर जो आ चुका है था है दुआ खान को चाहिए था 29 बट जो नंबर हमारे पास आया है वो 28 नंबर जी 28 नंबर बाहर आ चुका है आज भी तीन मजे के क्वेश्चंस हैं पाकिस्तान से रिलेटेड तो अपने गूगल्स को किसी ने सर्च नहीं करना गूगल पे जाके जो यहाँ पे देगा जवाब देगा कंसिडर होगा अगर किसी का लिखा है जॉइंट तो वो नहीं काउंट करेंगे जी हाँ 28 नंबर 75 पॉइंट्स फॉर ईच क्वेश्चन और कौन लेगा आज के पॉइंट्स किसकी बर्थडे है जी रीमा मीरब की बर्थडे है हादी हसनैन को 80 और 39 मतलब दो कार्ड्स में वन लेफ्ट पे है ईशा लबासी कह रही जी अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ शुक्रिया फ्रॉम मीरब थैंक यू वेलकम हैप्पी बर्थडे मीरब हैप्पी बर्थडे मीरब रहीला मुनीर अशरफी नईम चौधरी अनिला अयाज सारे मीरब को हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं जी इट सीम्स टू बी वन फैमिली बिंगो फैमिली बिल्कुल जी गुलफाम खोकर साहब का इसी दौरान नंबर लग गया कौन से वाला शहान 76 मांग रहे हैं मारिया नूर वन लेफ्ट पे है शेख तुलसा वन लेफ्ट पे वाओ शेख तुलसा लीड भी कह रहे हैं इस वक्त अभी पॉइंट्स ऐड होने हैं सबके शेख साहब के भी होने हैं तो लेट्स सी क्या बनेगा उसके बाद अभी तक शेख तुलसा इज लीडिंग 3000 रुपए शेख तुलसा साहब की नजर 3000 रुपए है सेकंड पोजीशन का अभी कंफर्म नहीं है कौन है थर्ड पे भी कंफर्म नहीं है बट सेकंड वाले को 2000 मिलना है थर्ड पे जो आएगा उसको 1000 रुपए मिलना है लेट्स सी कौन लेगा ये पैसे इस गेम में जो जीतेगा उसको 1000 रुपए मिलना है और डू वी हैव आवर कल की विनर मिसेस मेहदी मेदास मेहदी साहब खेल रहे हैं जी हमारे साथ अगर खेल रहे हैं तो प्लीज चैट में आके मैसेज करें जी यस आई एम हियर और हमें बताएं कल के 1000 रुपए का क्या किया आपने हादी हसनैन 39 और 88 चाहिए रीमा हैप्पी बर्थडे कह रही हैं मेरे को किरण टू लेफ्ट पे किरण दो ही नंबर्स चाहिए इस बार तो ये अस्सलाम वालेकुम कह रही है वालेकुम अस्सलाम फातिमा हैप्पी बर्थडे कह रही मीरब को आपने पहले ही बता दिया कि गूगल से मिल जाएंगे आंसर सबने पहले ही गूगल ओपन करके बैठ जाना है तो नईम चौधरी साहब वो उधर जाएंगे आपने इधर ही टाइप करके आंसर दे देना कैसा मेरा तो लगता ही नहीं है रीजन ओनली मेरे भी नंबर से लगते 24/7 वाली गेम में क्या करें मारिया नूर को 67 चाहिए सिद्रा बतूल वन लेफ्ट पे आ चुकी है वाओ बड़ी जल्दी आ रही थी आज वन लेफ्ट पे अच्छा दो नंबर चाहिए अहद किंग 13 और 32 पे हैं मसूद पट साहब वन लेफ्ट पे आ गए हैं वाह 93 चाहिए एवरीवन नोज इट इजी इजी क्वेश्चंस हैं वैसे आज तो जो गूगल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिब्रान खान वन लेफ्ट पे हैं हैप्पी बर्थडे टू मीरब लिया कह रही हैं जी मिसेस मेहदी कह रही मैं हूं तो बताएं जी आपने कल के 1000 रुपए का क्या किया वो बताएं हमें
स्कोर किसको पता है नहीं, प्लीज आप सबके नंबर ऐड कर दें तो पता चले कि किसके आगे बढ़ने के चांसेस हैं। यस हिरा इस्लाम, आज सुबह जब आप देखेंगे ना लीडर बोर्ड तो सबके स्कोर्स ऐड हो चुके होंगे। मेरी भी बर्थडे है, हमको भी विश कर दो। आदिल जट साहब आपको भी हैप्पी बर्थडे विश कर देते हैं, सर आपकी भी लंबी उम्र हो, आमीन। हैप्पी बर्थडे टू आदिल जट साहब। मेहदी हसन आज नहीं खेल रहे, उनकी वाइफ खेल रही है। ओके मिसेस मेहदी खेल रही है, तो आप बता दें 1000 रुपए का क्या किया, और हम आपको बताते हैं जो नेक्स्ट नंबर आया है वो है 6363। 63 नंबर आ चुका है, 6363 नंबर आ चुका है जी। जिस जिसका लग गया है जल्दी से अपने कार्ड पे लगा दे, और अगर बिंगो का बटन आपके सामने आए तो उसको जल्द से जल्द दबा देना आपने। क्वेश्चन वाला सिस्टम खत्म करते हैं। मारिया नूर, उसमें चीटिंग होती है, सबके लिए सेम है जी, सबके लिए सेम है, आप भी कर लें, गूगल कर लें जी। मेरा तो जनरल नॉलेज ही जीरो है, यही तो बढ़ाना है हमने। हैप्पी बर्थडे टू आदिल जट, हैप्पी बर्थडे। और ओनली टू लेफ्ट कह रही है जी लिया, परीक्षा 93 मांग रही है। हम दोनों चमचम खेलते हैं, वो क्या होता है जी, फ्रेंड्स में आ गई। इफ्रा आपका फोन चल गया, कैसे क्या इशू आ रहा था? और जो हमारे पास नंबर आ चुका है वो है 1919 नंबर। हाजी 39 मांग रहे थे बट 19 आ चुका है बाहर। और हुशाम दीप कह रही है दुआ अली मुशाबा हैप्पी बर्थडे, कह रही है आदिल जट को। नईम चौधरी साहब कह रहे हैं जी जट साहब हैप्पी बर्थडे, अभी कुछ भी नहीं किया। ओके ठीक हो गया जी, जब भी करें तो पिक्चर जरूर खींच के भेजिएगा हमें, ताकि हम भी इंजॉय कर सकें आप लोगों के साथ। हैप्पी बर्थडे जो जिनकी भी बर्थडे है आज, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, थैंक यू फरीजे। मसूद भट्ट साहब कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे जट साहब, हैप्पी बर्थडे भाई, थैंक यू दुआ बाजी। मोहसिन जा साहब कह रहे हैं 5 कार्ड लिए थे, 3 छोरे 2 और कहां गए, स्वाइप करें जरा या एक बार रीजॉइन करके देखें। एक क्वेश्चन से पूरा दिन खेलने वाले पीछे रह जाते हैं, बट एक क्वेश्चन से जिसकी एक दो गेम्स मिस हुई होती है वो ऊपर भी आ जाते हैं जी, बिल्कुल। और बिल्कुल जी, एंड द नेक्स्ट नंबर इज 9 नंबर आ चुका है बाय। इकरा फहद को 79 चाहिए था, कोई भी नहीं लगा मेरा आज, तो लिली कह रही है डोंट वरी लिली, अभी भी गेम खत्म नहीं हुई। आहत किंग को 13-32 चाहिए। ओके भाई पता नहीं कोड नहीं सेंड हो रहा था मुझे, अल्लाह का नाम लेकर किया, बार बार दिन आ गया, लग गया। ओके जी 9 नंबर आ चुका है बाहर, मेरी गेम्स मिस हो गई 4-5, ये भी किस्मत का हिस्सा है इफ्रा, डोंट वरी। और हमारे पास विनर भी आ चुके हैं माशाल्लाह से, मोहम्मद वजीद साहब फ्रॉम फैसलाबाद, आज तो जल्दी आ गए, कितनी बॉल्स देंगे, 6 बॉल्स निकली। और मोहम्मद वजीद साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको, फैसलाबाद वंस अगेन, इस हफ्ते में 6 पड़े हैं फैसलाबादी, क्या बात है, पिछले हफ्ते भी फैसलाबादी थे, इस हफ्ते भी फैसलाबाद से एक और विनर आ चुके हैं मोहम्मद वजीद साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन मोहम्मद वहीद साहब, आपने 6 गेम्स खेली हैं और पहली गेम ही, और ये आपकी पहली गेम है जो आप जीते हैं, बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको। आपको कॉल करेंगे कंप्यूटर जी, आपसे आपका जायज कैश है, इसी पैसा नंबर मांगेंगे, आपने उनको वो प्रोवाइड करना है, उस पर आपको 1000 रुपया ट्रांसफर हो जाएगा और फिर आप मेरे से बात करेंगे। और गेम नहीं होगी, नहीं मोहसिन एजाज साहब, 1 गेम देन 2 विनर्स परीक्षे, 1 गेम होनी है आज, क्या बिल्कुल जी 1 गेम ही होनी है। जमील अहमद साहब आप बैक तो हैं, 5 मोहम्मद वहीद साहब आज के लकी विनर हैं, हमारे 1000 रुपए जीत चुके हैं और इनको हम लाइव कॉल पर लेने वाले हैं। कैन यू हियर मी? यस यू कैन हियर मी, ओके दैट्स गुड टू गो। ओके ईस्ट और वेस्ट, फैसलाबाद इज द बेस्ट, क्या बात है जी, फैसलाबाद छाया पड़ा है। तो जी 2 गेम्स प्लीज 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 परीशे, क्या करें हम, 2 गेम्स कैसे कराएं। ओके जी हीरा, अगर आप 5 कार्ड्स लें तो 2 गेम्स में तो 80 पॉइंट्स मिल जाते हैं, अगर किसी बेचारे की जैसे इफ्रा की गेम्स मिस हो गई हैं
तो उनको उम्मीद तो जागेगी ना दैट शी कैन गेट ऑफ द लीड. क्या कहती हैं आप? माशाल्लाह कह दे. माशाल्लाह बिल्कुल जी माशाल्लाह. फैसलाबादी छाए पड़ी है जी. आज तो लास्ट गेम है, दो होनी चाहिए, फिर मंडे को होगी. यस फिर मंडे को गेम होगी. फातिमा आज लास्ट डे है. बिल्कुल जी आज मंडे टू थर्सडे हमारी गेम्स होती हैं 8 PM ऑनवर्ड्स. कभी कभी दो होती हैं, कभी कभी एक होती है, कभी कभी हम तीन तीन चार चार विनर्स भी निकाल लेते हैं. एंड मेरी भी दो गेम मिस हुई हैं. हिरा असलम बिल्कुल आपके पास चांस है ना, 75 पॉइंट्स ले और आपकी दो गेम्स का वो गैप वापस कवर हो जाएगा. क्या कहती हैं? ये नंबर तो निकल चुका है. कौन सा नंबर मुना? इतनी उम्मीद थी जीतने की, सब टूट गई. हिरा असलम अगर मैं आपको बताऊं, तीन पॉइंट्स हैं, 75 75 75. अगर आपको ये तीनों आंसर आ जाते हैं जल्दी, आप जरा बंदे इकट्ठे कर लेना अपने पास तीन चार, उन्हें कहें भाई तैयार हो जाओ, गूगल करना है जो भी करना है. अगर आप ये पॉइंट्स ले लेती हैं तो आपकी उम्मीद फिर जाग पड़ेगी. व्हाट डू यू से एवरीवन? अच्छा है ना, साथ साथ जरा नॉलेज भी तो मिलनी चाहिए. ये आप थ्री क्वेश्चंस, दो गेम्स मिस हुई हैं आदिल जट साहब की भी. और ना आता हो तो जवाब क्या करें हेरा? फिर तीन चार मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी पूरी फैमिली को बिठा लें साथ और या कॉल अ फ्रेंड कर लें आप किसी को, या एक्सपर्ट एडवाइस ले लें किसी से. देखिए इजी सवाल है, थोड़े से मुश्किल भी है, बट अगर आपके पाक स्टडीज या जनरल नॉलेज, देखिए मैं पाकिस्तान से रिलेटेड सवाल पूछने वाला हूँ, ये मैं हिंट आपको दे रहा हूँ. लाइट ना जाए बस, नहीं जाती शेख तुलसा इंशाल्लाह नहीं जाएगी. और आप अपनी लीड को बढ़ाने के लिए 75 75 75 पॉइंट्स आर अवेलेबल फॉर यू ऑल. लेट्स सी कौन लेगा. मेरी वीडियो ठीक हो रही है अब? ठीक है, यप वी आर गुड टू गो. तो पहला क्वेश्चन पूछने वाले हैं जी, 75 पॉइंट्स. फैमिली के पास बैठने वाला टिप इज रियली गुड, देयर इज नो टाइम टू गूगल इट और मेक अ कॉल. बिल्कुल जी, फैमिली के साथ बैठे हैं आप, इस तरह फैमिली के साथ भी बैठ जाएंगे. वाह क्या बात है. ओके जी, तो पहला क्वेश्चन आज का वो है, आपकी स्क्रीन पे आने वाला है इन 3 2 1. नाउ पाकिस्तान का नेशनल एंथम सरकारी तौर पर किस साल में मंजूर हुआ? 75 पॉइंट्स फॉर दिस क्वेश्चन. पाकिस्तान का नेशनल एंथम सरकारी तौर पर किस साल में मंजूर हुआ? जिदान ताहिर 1956, सलमान 1947, शेख तुलसा 1952, तलहा मलिक 1971, 1947. अभी तक सही जवाब नहीं आया. 75 पॉइंट्स आर स्टिल आउट देयर. किरण 1952, 1937, 1939. अभी तो पाकिस्तान आजाद भी नहीं हुआ था, 1937 पहले मंजूर कराता जी. 14 अगस्त 1953 कौसर फरूक, नईम चौधरी 1954. कबीर जी एक बार जरा क्रॉस चेक कर लें कि कब मंजूर हुआ था पाकिस्तान का नेशनल एंथम. हमारे पास जो आंसर है, एक बंदे ने सही जवाब दिया अभी तक. नहीं, किसने सही जवाब दिया अभी तक? शेख तुलसा 1948, बिस्मिल्लाह 1973, नुशाबा कह रही है जी 1954. ये मुझे लगता है गूगल करती है. बड़ी देर बाद जो जवाब आ रहे हैं ना, ये सारे गूगल वाले लग रहे हैं मुझे. कौसर फरूक 14 अगस्त 1953, इफ्रा 1950, असलम 1954 कह रही हैं, शयान 1954 कह रही हैं, रहीला मनीर अशरफी 2021, अवैस खान 1954. तो कबीर जी द करेक्ट आंसर इज, ये जो सारे गूगल वाले आ गए मेरे पास आ गए गूगल वाले ना, 1954. ओके जी भाई, सब गूगल करके आ रहे हैं. ये जो जॉइंट जॉइंट आ रहा ना जी, ये टाइम कभी नहीं ओवर होता जब तक सही जवाब नहीं आता हमारे पास. तो सही जवाब कंप्यूटर जी ने जो बताया है, आर यू श्योर कंप्यूटर जी? ओके जी, कंप्यूटर जी ने भी गूगल किया है जी, फुल गूगल चल रहा है इस वक्त. बिल्कुल जी, गूगल बड़ा मजे का चल रहा है, मेरे पास कोई नहीं जो गूगल करे. आए शेख साहब कोई मसला नहीं. 1955 1955 1940, लिया 1954, हिला असलम 1940,
1940 में हीरा असलम पाकिस्तान आजाद भी नहीं हुआ था और पाकिस्तान का कौमी तराना मंजूर हो गया था, ये कैसे कैसे करते हैं आप लोग? बड़े मजे मजे के सर आगे बॉल निकालेंगे, मुना विनर आ चुका है मोहम्मद वहीद। ओके जी, कबीर जी ने कह दिया है जी। कबीर जी हमारे पास जो आंसर है ना वो है तुक्का लगाया जी हीरा असलम ने। ओके तो फिर कबीर जी देखे सबसे पहले किसने जवाब दिया है, तुक्का लगा रहे, लगाओ जी तुक्का लगाओ लगाओ तुक्का। इफ्रा ने दिया जी, कंप्यूटर जी के मुताबिक इफ्रा ने दिया है और सबसे सही जवाब 1950 इफ्रा ने दिया है। मीर जी आर यू श्योर? मिसेस मेदी का 1950 नजर आ रहा है मुझे, कंप्यूटर जी चेक कर रहे हैं इसको, क्रॉस चेक कर रहे हैं। तुक्का लगाओ मुसलमानों, 14th अगस्त 1949 ये कहां से लेके आ रहे हैं आप लोग आंसर्स, हमें भी बताएं। बिल्कुल जी 1950 नॉट राइट आंसर, नईम चौधरी साहब कह रही हैं जी। नईम चौधरी साहब देख लेते हैं जी किसने सही बताया है और क्या सही आंसर है, हम एक बार क्रॉस चेक कर रहे हैं इसको गूगल से, हम भी क्रॉस चेक कर रहे हैं। इफ्रा लग गए 75 आपके, वाओ नहीं अभी नहीं लगे जी, हम आपको तो बताएंगे तो फिर है, किसी और वेबसाइट से भी चेक कर लें जी। ओके जी कोई और वेबसाइट भी चेक कर लें क्योंकि एक दो प्लेयर्स ने कहा जी वो करेक्ट आंसर नहीं है। मोहम्मद वहीद विद अस, नो ओके। यामिर लियाकत कहां से आ गया, तुक्का लगाओ। हीरा असलम ने याद करा दिया जी, 14th अगस्त इज द राइट आंसर, जो मेरे पास आंसर था वो यही था, मेरे पास भी यही है 1954 वाला, तो लेट्स गो विद दिस आंसर आई थिंक मीर जी। 1954 1954 एक बार मीर जी भी कंफर्म कर लें। जिन्होंने किया था उनसे पूछ के आते हैं अभी, बहुत अच्छे फ्रीजे, मैंने कहीं से चेक नहीं किया यार, क्या बात है फिर आपकी। 1949 हुआ शायद, देख लेते हैं जी कंप्यूटर जी चेक कर रहे हैं उसको। 1954 पहला आंसर किया है, मैंने पहला आंसर किया, देख लेते हैं ईशल अब्बासी 1954 क्या ये सही जवाब है कंप्यूटर जी। 1954 सलमान भाई कह रहे हैं जी अगस्त 1954, परिजन होनी भी कह रही 1954 ही है भाई, बिल्कुल जी और 1954 1954 कंप्यूटर जी, वैसे मेरे पास भी यही आंसर था जब सर्च किया था मैंने, तो लेट्स गो विद इट। और सबसे पहले 1954 किसने दिया, लेट्स सी जी 1954 सबसे पहले लॉक करते हैं, अरूज ने कहा लॉक करते हैं तो लॉक कर देते हैं 1954 1954 को लॉक कर दिए हमने। और अब देखने जा रहे हैं सबसे पहले सही जवाब किसने दिया जी, 1954 सबसे पहले किसने दिया जी, 1954 1954 ओके जी, यहाँ पे आ गई पहेली हमारे पास। पाकिस्तान का नेशनल एंथम सरकारी तौर पर किस साल में मंजूर हुआ, और जुदान दाहिर 56 कह रहे थे, इफ्रा ने 47 का, और जो 54 सबसे पहले आया है वो हमारे पास नईम चौधरी साहब का आया है। बहुत बहुत मुबारक हो नईम चौधरी साहब, आपको मिल चुके हैं 75 points, जो कि शेख तुलसा ने भी आपको सेकेंड किया है, विस्मा ने भी सेकेंड किया है, हसनैन भाई मैंने दिया है, नई शयान हमारे पास जो चार्ट आ रही है, नईम चौधरी का सबसे पहले आंसर आया हुआ है। नईम चौधरी आपको मिले हैं 75 points, बहुत बहुत मुबारक हो जी। और डू वी हैव मोहम्मद वहीद साहब विद अस, वीर जी कांग्रेचुलेशंस नईम भाई 75 points लेने के ऊपर, आप भी मेरे ख्याल से काफी कंपटीशन में ऊपर वाले हिस्सों में चल रहे हैं, अभी आपके पॉइंट्स नहीं मुझे याद प्रॉपरली बट इतना याद है आप टॉप 5 में हैं जी। नईम गलती हो गई, हसनैन भाई मैंने दिया था शान, आप चार्ट चेक कर लो, बिस्मा भी यही कह रही है, शेख तुलसा भी यही कह रहे हैं, और प्लेयर्स ये कह रहे हैं, हमने भी चेक किया जी, कंप्यूटर जी ने भी चेक किया है, 4-5 प्लेयर्स ने चेक कर लिया है।
The correct answer is 1954. Okay, जी, कंप्यूटर जी ने थोड़ी हिस्ट्री भी बता दिया जी. 1949 में म्यूजिक ट्यून बनी थी उसकी, 1992 में लिरिक्स फाइनलाइज हो गए थे, अभी इस जलंधरी साहब ने किए जी. What? 1949 में म्यूजिक ट्यून फाइनलाइज हो गई थी इसकी, 1952 में लिरिक्स फाइनलाइज हो गए थे, हफीज जलंधरी साहब ने किए थे, एंड ऑफिशियली इन 1954 इट वाज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट. ये थी इसकी हिस्ट्री, थोड़ी सी मजे की हिस्ट्री थी. आई होप आपको फायदा होगा और मजा भी आएगा. सेकंड क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, 75 पॉइंट्स फॉर द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है अब. निशाने हैदर सबसे पहले किसको मिला? सबसे पहले बंदे का नाम बताएं जिसको निशाने हैदर मिला, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस अवार्ड्स ऑफ द आर्मी पाकिस्तान. अजीज भट्टी, राशिद मिन्हास, अजीज भट्टी, अजीज भट्टी, मेजर अजीज भट्टी शहीद, अजीज भट्टी, मेजर अजीज भट्टी, मेजर अजीज भट्टी. नहीं जी, ये गलत जवाब है, मेजर अजीज भट्टी. 75 पॉइंट स्टिल आउट देयर, 75 पॉइंट अभी भी हैं जी अवेलेबल. सवर मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद सरवर जी. नईम चौधरी साहब आपसे पहले कौसर फरूक ने सही जवाब दिया जी. सरवर मोहम्मद हुसैन साहब बिल्कुल सही जवाब है. कौसर फरूक को मिले हैं 75 पॉइंट्स, ये आपके ऐड हो जाएंगे लीड कोड में कौसर. और एक और सवाल पूछेंगे, कॉल पे ले लें वहीद भाई को फैसलाबाद से, फिर आपसे कॉल पे एक और सवाल पूछेंगे. वालेकुम अस्सलाम वहीद भाई, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र सब ठीक ठाक है. सर कहाँ से बात कर रहे हैं? फैसलाबाद से बात कर रहे हैं. और गेम जीत के कैसा लग रहा है? बेहतर है. 100 बंदा खेल रहा था सर, 100 से भी ज्यादा बंदे थे, उसमें से आप जीते हैं, वो भी 6 बॉल्स में. बड़ी जल्दी किस्मत आपकी रन ले आई. 6 गेम्स खेली हैं आपने और पहली में आपने छक्का लगा, छठी गेम में छक्का लगा दिया आपने. सर ये आपकी आवाज थोड़ी कट रही है सर जी. किस्मत की बात है बिल्कुल जी. तो सर पैसे मिल चुके हैं? जी सर, रिसीव हो गए. तो कैसा लग रहा है जीत के? काफी अच्छा लग रहा है सर. ये बताएंगे गेम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर आप? सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है. हेलो सर, सिग्नल प्रॉब्लम हो रही है. अच्छा अच्छा, ठीक हो गया सर. आपको पैसे मिल चुके हैं, एक मैसेज कर दें चैट में कि आपको पैसे मिल चुके हैं, और ज्यादा से ज्यादा इस गेम को फैलाएं अपनी पूरी फैमिली में फैसलाबाद में, ताकि और प्लेयर्स यहां से आकर जीत सकें. ठीक हो गया वहीद भाई, आपने रेफर किया फ्रेंड्स का, बहुत शुक्रिया सर. थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग विद अस. एक बार फिर से मुबारक हो, अल्लाह हाफिज. जी तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले दिया था कौशल नईम चौधरी सर. स्पेलिंग का मैंने कुछ कहा नहीं था, तो उसमें कुछ हो नहीं सकता, स्पेलिंग का मैंने कुछ नहीं कहा. थर्ड क्वेश्चन पूछने वाले हैं 75 पॉइंट्स का, आपके सामने आने वाला है आपकी स्क्रीन पे इन 3 2 1 गो. नहीं आगे जी, निशाने हैदर अब तक कितने दिए गए हैं? टोटल बताएं जी, निशाने हैदर कितने दिए गए हैं? जुदान ताहिर 9, सलमान 8, कौसर फरूक 10, और कोई शेख तुलसा 10, नईम चौधरी 11, नईम चौधरी 11, हिरा असलम 10, और कोई जी, और कोई है जी हमारे पास? हिरा असलम 10,
टेन पहले थे, मैं आपको बता दूं टेन पहले थे, फिर हिलाला कश्मीर ऐड हो गया निशाने हैदर में, दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज निशाने हैदर आई एम नाउ, और अब कुल मिला के हो चुके हैं 11। जी बिल्कुल 11 हो चुके हैं। नईम भाई करेक्ट है ना? बिल्कुल जी, नईम भाई का आंसर करेक्ट है। नईम भाई ने आज 150 पॉइंट्स ले लिए हैं, वाह क्या बात है नईम भाई की। नईम भाई लेट्स सी क्या फायदा उठाएंगे आप इसका, और हम लेके आपसे इजाजत, मिलेंगे इंशाल्लाह मंडे को, और 24/7 वाली गेम में मिलते रहेंगे और खेलते रहेंगे उसको, हार नहीं माननी, कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी की भी लाइट जा सकती है, किसी का भी, जैसे इफ्रा का आज लॉग इन ही नहीं हुआ, 3-4 गेम्स ही मिस हो गए, सो इट्स ऑल अबाउट लक। So that's all. Milenge inshallah Monday ko, tab tak ke liye Allah Hafiz.